गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में। तो स्वाति मैम आ गई है वापस से सुबह सुबह तुम लोगों का दिन बनाने के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट कह लो तुम और बढ़िया कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। जब मैं खुद डीमोरलाइज होती हूँ तो मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ। तुम बोलोगे मैडम रोज़ यही कहते हो आप, तो बेटा क्या ही करें, लाइफ है ही ऐसी कि रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमें। तो वही सेम चीज़ें हम तुम्हें बताने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम मुश्किलों से गुजरते हैं आप भी तो मुश्किलों से गुजरते होंगे। तो जो चीज़ें हमें चलाए रखती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही सेम चीज़ें फॉलो करें। तो वो कुछ चंद पंक्तियाँ, वो कुछ लाइनें इस तरीके से हैं। ये खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुदी का क्या मतलब होता है कि जो तुम्हारा जुनून है, जो तुम्हारी जील है, जेस्ट है, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ें करो कि लोग तो छोड़ो, भगवान इम्प्रेस होकर खुद से साक्षात भगवान प्रकट हुए और बोले कि बता यार तुझे चाहिए क्या, तेरी मेहनत से मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान प्रकट नहीं हो सकते हैं, पर खुद में इतनी मेहनत करनी है कि जो तकदीर, लोग कहते हैं कि यार जो चीज़ किस्मत में लिखी हुई है उसे कोई नहीं बदल सकता है, हम ऊपर से लिखवा कर आते हैं, एक बारी जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं और हम इतनी मेहनत करेंगे, हम खुद को इतना बुलंद, इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अपनी तकदीर हम खुद से लिखेंगे। आ रही है बात समझ में सभी को? चलिए तो फिर मिलते हैं।